फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। मैं सप्लीमेंट्री का सेकंड पार्ट यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के उसके सेकंड पार्ट के लिए तैयार हूँ दोबारा। देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपोहन पर एक टिप्पणी लिखना है, इलेक्ट्रोलिसिस बाय इलेक्ट्रिक्स यानी इलेक्ट्रोडायलिसिस लिखना है फ्रेंड्स। अपोहन क्या है वास्तव में समझ ले फ्रेंड्स, हमारे जीवन में हम डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे कोलाइड विलयन देखते हैं, मतलब जिसमें अशुद्धि मिली होती है, तो अशुद्धि मिली को अशुद्धि जो है उसको कोलाइड विलयन से साफ करना, जैसे ब्लड खून एक रक्त जो है कोलाइड विलयन है। अब रक्त में भी अशुद्धि होती है उसको जो प्योर करने का काम हमारी शरीर के अंदर जो नेचुरल किडनी है वो अपोहन का ही काम करती है, ठीक है। तो अपोहन क्या है फ्रेंड्स, कोलाइड विलयन से जो अशुद्धियों को हटाना। लेकिन ये अशुद्धियां फ्रेंड्स जनरली क्या रहनी चाहिए, धनायन और ऋणायन यानी विद्युत अपघटन की अशुद्धियां हटाई जाती है। तो यदि कोलाइड विलयन में से विद्युत अपघटन की अशुद्धियां होती है तो अपोहन की दर बढ़ाने के लिए ध्यान दे, विद्युत अपोहन की दर बढ़ाने के लिए एक द्रोणिका, ये फ्रेंड देख रहे हैं ये जो है ये द्रोणिका है, ठीक है, चमड़े की थैली, इसको द्रोणिका कहते हैं। दो विपरीत आवेशों के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, देखे ये द्रोणिका लगी हुई है, इसमें दो विपरीत आवेशों के ये इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ये प्लस वाला और ये इस तरफ से माइनस वाला। आयनिक अशुद्धियां विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोडों की ओर तेजी से बढ़ने लगती है, धन अशुद्धियां ऋण की तरफ बढ़ेगी और धन वाली ऋण वाली अशुद्धियां धन की तरफ बढ़ने लगी, ये तेजी से बढ़ने लगी फ्रेंड्स, ओके। तो इसको विद्युत अपोहन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेप्टीकरण क्या है। पेप्टीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, समझ लें कि कोलाइड विलयन जो रहता है वो नीचे तली में ना बैठ जाए, वो दोबारा ऊपर कोलाइड विलयन के फॉर्म में आ जाए, तो इसको कहते हैं पेप्टीकरण, ठीक है। तो इस विधि में फ्रेंड्स जिस पदार्थ का कोलाइड विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप ले लेते हैं, इस अवक्षेप में एक अन्य उपर्युक्त अभिकर्मक मिलाते हैं जिसे पेप्टीकारक कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे हम अपने डेली रूटीन लाइफ में भी देखते हैं जो दवाइयां आती है यदि उसमें पेप्टीकारक ना मिलाए जाए, तो अब जैसे कोई ऑयली है, कोई ऐसी दवाई जिसमें ऑयल मिक्स होना है और पानी भी मिलाना है, तो अब पानी में ऑयल तो नॉर्मली तो मिलता नहीं है, तो हमें कोई उपर्युक्त अभिकर्मक उसमें मिलाना पड़ता है जिसे पेप्टीकारक कहते हैं। पेप्टीकारक में जनरली एक कॉमन आयन होना चाहिए, मतलब एक आयन दोनों में समान होना चाहिए, जिसका कोलाइड विलयन बना रहे उसमें भी वही आयन होना चाहिए और पेप्टीकारक में भी वही आयन कॉमन होना चाहिए। फ्रेंड्स अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को यदि फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला होता है AlOH taken thrice, अब यदि हम इसका यदि हम कोलाइड सॉल्यूशन बना रहे तो पेप्टीकारक जो भी मिलाएंगे तो उसमें वाटर मिलाएंगे, तो वाटर में भी ध्यान दें फ्रेंड्स, वाटर में भी OH नेगेटिव आयन होते हैं और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में भी OH नेगेटिव आयन होते हैं, तो एक कॉमन आयन तो होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप को तनु HCl मिले जल के साथ उबालने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिप्पणी लिखिए। तो टिंडल प्रभाव क्या है, यदि प्रकाश को कोलाइड विलयन से गुजारा जाए तो प्रकाश जो है एक चमकते हुए शंकु के रूप में दिखाई देता है। ये देखिए ये एक शंकु दिखाई दे रहा है, ये शंकु देख रहे हैं आप, ये शंकु, तो ये जो शंकु दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स इसी शंकु का दिखना ये कहलाता है टिंडल, ठीक है। इसको सबसे पहले वैज्ञानिक टिंडल ने देखा था इसलिए इसको नाम ही पड़ गया टिंडल प्रभाव, ठीक है। और ये जो शंकु दिख रहा है इसको टिंडल शंकु भी कहते हैं। हम ऐसा जब हमारे घरों में कभी खिड़कियों से सुबह सुबह मॉर्निंग में लाइट आता तो हमें इस तरह का रास्ता दिखाई देता है, या फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि कभी हम जंगलों में भी देखते हैं तो सुबह सुबह की किरणों में हमें उसकी रेखाएं दिखाई देती है, ये सब टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है फ्रेंड्स। तो टिंडल ने यह बताया कि कोलाइड का प्रकाश के प्रकाश को बिखेर देते हैं जिसके कारण ये चमकने लगते हैं, जब इस पर लाइट डाला जाता है तो ये जो पार्टिकल है ये प्रकाश को क्या कर देते हैं, इन्हें रिटर्न कर देते हैं, बिखेर देते, तो वही प्रकाश हमें रिटर्न प्रकाश दिखाई देने लगता है। प्रकाश का प्रकीर्णन साधारण प्रकीर्णन से भिन्न होता है, वास्तविक विलयन के कण अति सूक्ष्म आकार के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। फ्रेंड्स ध्यान देंगे जो प्रकाश की वेवलेंथ यदि उससे बहुत छोटे आकार के यदि पार्टिकल होंगे तो वो प्रकाश को रिटर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लगभग उसी की कोटि का होना चाहिए। कोलाइड कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं दीप्त हो जाते हैं। कोलाइड के कण क्या रहते हैं, जब रिटर्न करेंगे तो वो प्रकाश हमें दिखाई देगा। अवशोषित प्रकाश तरंग छोटी तरंग देर के किरणों के रूप में प्रकीर्णित होने लगता है, यहाँ से रिटर्न जो प्रकाश है वो दिखाई देने लगता है। अधिकतम प्रकीर्णन प्रकाश के मार्ग के लंबवत होता है, इसलिए प्रकाश के मार्ग को संपूर्ण पर देखने पर एक
कीला शंकु दिखाई देता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, हमें इस तरह से देखेंगे तो ही दिखाई देगा, ठीक है। यदि सपोज करें कि अपन सुबह सुबह यदि हम लाइट को भी देख रहे हैं, खिड़की से आ रहा लाइट, तो खिड़की के यदि सामने देखेंगे तब हमें नहीं दिखाई देगा, हमें खिड़की के साइड में 90 डिग्री के एंगल पर देखेंगे तो ही हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण बहुत छोटा होता है फ्रेंड्स, जैसे मतलब मैं अभी कोई चौक कोई बोर्ड पर अपन चौक से लिखते हैं तो भौतिक अधिशोषण है, क्योंकि उसे मिटाया जा सकता है। इसका मान होता है मतलब 40 किलो जूल पर मोल। जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो जैसे अपन दीवार पर पेंट कर देते हैं तो ये केमिकल ही होता है। इसका मान होता है 200 से 400 किलो जूल पर मोल। ओके, ये कम ताप पर ही हो जाता है और जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो ये घटने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये केमिकल ही क्या रहता है, इसको होने के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता है। ये रिवर्सिबल है क्योंकि हम एक बोर्ड पर चौक से लिखेंगे फिर मिटा देंगे फिर लिख सकते हैं, लेकिन एक बार यदि दीवार पर पेंट लग गया तो फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये नॉन रिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल है। अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वैन डर वाल फोर्स काम करता है। देखिए फ्रेंड, क्योंकि कमजोर होता है, बहुत कम ऊर्जा होती है इसलिए वीक फोर्स होता है। अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होता है, जिस दीवार और पेंट के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है फ्रेंड्स। ओके, भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, बहुत कोई विशिष्ट नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। चौक पे लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, लेकिन हर यदि कोई पेंट किसी दीवार पर चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्पेसिफिक पेंट है, यानी उसका नेचर दीवार से मैच करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये गैसों को अधिशोषित करती है, ये तो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिल सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नीला तोता क्या है। नीला तोता फ्रेंड्स याद रखेंगे, नीला तोता कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है, व्यापारिक नाम है। इसमें 5 क्रिस्टल के अणु होते हैं, जल क्रिस्टल के अणु होते हैं। ये जो क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है जो जल में जनरली घुल जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला CuSO4.5H2, ठीक है। जब हम इसको फ्रेंड्स हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 4 जल के अणु निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये व्हाइट रंग का दिखाई देने लगता है, ठीक है फ्रेंड। वास्तव में ये पहले ब्लू कलर का रहता है, याद रखेंगे, नीला रंग का रहता है, फिर ये 100 पर ही सफेद हो जाता है। और यदि फ्रेंड्स इसको 230 तक यानी 230 तक गर्म करेंगे तो फ्रेंड्स वो जल का अणु भी निकल जाता है। इसको जला हुआ कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, डिहाइड्रेटेड। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया फ्रेंड। यदि हम इसको 730 तक और ज्यादा हीटेड करेंगे तो सिर्फ क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO बचेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी फ्रेंड्स। चलिए, एल्युमिनियम के कौन कौन से अयस्क है, उसका शोधन किस प्रकार से करते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, केवल हम ये जरूर देखेंगे इसके 3 अयस्क एल्युमिनियम के। पहला है बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला Al2O3.2H2O, फेल्सपार K2O Al2O3.6H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6। ओके फ्रेंड, और इसके लिए मैं बता दूं 3 विधियां हैं, तो हुप की विधि और एक तो बायर की विधि है, हुप बायर और एक हॉल की विधि है। तो इनमें किसी में सिलिका की शुद्धि होती है, इसके आधार पर इसे हटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, डलवा पिटवा इस्पात तीनों लोहा में क्या अंतर होता है। जो डलवा लोहा, तो फ्रेंड सबसे पहले ये समझ ले कि इसमें जो पिटवा लोहा होता है उसमें सबसे कम कार्बन मिलाया जाता है, 0.10 से 0.25% तक होता है। इससे ज्यादा इस्पात में मिलाया जाता है 0.5 से लेकर 1.5 तक। सबसे ज्यादा कार्बन मिलाया जाता है डलवा लोहा में, 2.2 से लेकर 4.5% तक होता है। फ्रेंड्स ध्यान दे, इसका जिसमें सबसे कम मिलाया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है, सबसे ज्यादा होता है 1500। फिर उससे कम किसका होगा, इस्पात का होगा। सबसे कम किसका होगा फ्रेंड्स, जिसमें सबसे ज्यादा अपने कार्बन मिलाए थे, तो कार्बन की वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाता है, यानी 1200 डिग्री सेल्सियस ही हो जाता है। यदि हम फ्रेंड्स यदि देखें स्ट्रांगनेस में देखें, मजबूत में देखें, कठोर में, तो पिटवा लोहा पीट पीट कर उसे लंबा किया जा सकता है, डलवा लोहा तो आसानी से टूटता नहीं, जंजीर वगैरह बनाई जाती है इसकी। अब इस्पात जो हम घरों में चाकू छुरी थालियां वगैरह यूज करते हैं, वो तो दोनों टाइप के होते हैं, कठोर भी होते हैं मुलायम भी होते हैं, वो हमें देख कर यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स। जो पिटवा लोहा होता है इसको फैल फैल कर लंबा किया जा सकता है, आघात वर्धनी होता है फ्रेंड। डलवा लोहा केवल एक बार बनता है, जैसे जंजीर बन गई तो बन गई, तलवार बन गई तो बन गई, फिर दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता, तोड़ना ही पड़ेगा उसे, टूट जा सकता वो। और ये दोनों ही लेवल का रहता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर बार बार बदलता रहता है, ठीक है। पिटवा लोहा को फ्रेंड्स इसको हम टेम्पर नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। डलवा लोहा को तो बिल्कुल भी मुड़ नहीं सकते, मुड़ेगा तो वो टूटेगा फ्रेंड। जो ज्यादातर गाड़ियों में जैसे पिटवा लोहा लगाया जाता है तो गाड़ियों का जो उसको भंगार में भी यदि अपन दे देते हैं तो वो कोई यूज ज्यादा नहीं आता, वो
फिर वो बहुत मेल्ट होगा हाई टेम्परेचर पर। अब इस्पात में रहता है फ्रेंड, जो हमारे घरों में यूज होता है ज्यादातर स्प्रिंग वगैरह बनाई जाती है, तो इसको हम मोल्ड यानी मोड़ सकते हैं। पिटवा लोहे से बिल्कुल भी चुंबक नहीं बनाई जा सकती फ्रेंड्स, न ढलवे लोहे से, उसमें ऐसी क्षमता नहीं रहती, वो उसके आइटम एक बार फिक्स हो जाते हैं। इस्पात में बार बार वेरिएशन होता रहता है, बदलते रहते हैं, इसलिए इसका स्थायी मैग्नेट बनाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, मैग्नेटिज्म। हाँ, और याद रखें, पिटवा लोहा में आसानी से वेल्डिंग की जा सकती है, ढलवा लोहा में केवल एक टाइम वेल्डिंग हो सकती है, वो भी वेल्डिंग छोड़ देता है फ्रेंड। ठीक है, इसको वेल्ड करने के लिए उसमें एक दूसरी विधि लगाई जाती है, बेसमर परिवर्तक वगैरह, वो एक भट्टी इससे करते हैं। इस्पात में, स्टील में बहुत मुश्किलों से होती गैस वेल्डिंग वगैरह हो जाती है। इसके क्या बनाए जाते हैं, चाकू, छुरी, ऑपरेशन के औजार, इंजन काटने के औजार, स्प्रिंग, स्थायी चुंबक, और पिटवे लोहे से जंजीर, तारों के जाल वगैरह बनाए जाते हैं। ढलाई ढलवे लोहे के फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े, जैसे लोहे की क्रेन बनाई जाती है, क्रेन के डब्बे बनाए जाते हैं, और इससे दोनों लोहा बनाया जा सकता है, पिटवा और इस्पात। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एल्युमिनियम के और जिंक के, लोहा के, तांबा के दो दो एस, एल्युमिनियम के दो एस ऑक्साइड और फील्ड इस्पार है, Al2O3.2H2O और KaSi3O8। ओके, फील्ड इस्पार के जिंक के दो एस के जिंक ब्लेंडी और कैलामाइन ZnS और ZnCO3, लोहा के दो एस के हेमेटाइट और सीडेराइट Fe2O3 FeCO3, कॉपर के दो एस के क्यूप्राइट और कॉपर पायरेट Cu2O CuFeH2, चांदी के दो एस के अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर Ag2S और AgCl। नेक्स्ट देखेंगे बात्या भट्टी द्वारा ढलवा लोहे का निर्माण के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है। अब मैं आपको चित्र तो अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी समझ लेंगे, ये एक इस तरह की एक सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार नली होती है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या रहता है, इसके जो अलग अलग भाग है, इसके चार भाग होते हैं, 1, 2, 3 और ये चार भाग, चारों के टेम्परेचर बहुत अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे सबसे ऊपर वाले का बहुत कम तापमान होगा, नीचे वाले का सबसे अधिक तापमान होगा, ये यहाँ पर अधिक तापमान रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे जो ऊपर से कम ताप पर क्या रहता है, इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है फ्रेंड्स। ये वाली अभिक्रिया ये नीचे होती है बिल्कुल भट्टी के मध्य भाग के निचले हिस्से में। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर ऊपर उठती है 600 डिग्री सेल्सियस पर, Fe2O3 ऊपर से कौन आ रहा होगा, वो चार्ज आ रहा होगा Fe2O3, तो उसको FeO में बदल देती है, तो CO प्लस Fe2O3 600 इक्वल टू FeO प्लस CO2। 750 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा FeO को फिर Fe में बदल दिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, देखते हैं इसमें जो स्पंजी आयरन भी बनता है, यदि इसमें ऊपर से चूना पत्थर मिलाया जाता है, चूना पत्थर यानी CaCO3, तो 1100 डिग्री सेल्सियस पर टूट जाता है फ्रेंड्स, और ये हो जाता है CO प्लस CO2। इनका उपयोग कर लेते हैं, CO जो रहता है उसके साथ जो सिलिका आती है, मिलकर मिक्स आती है, तो वो बना लेती है कैल्शियम सिलिकेट यानी CaSiO3, और ये नीचे मेल्ट के रूप में तैरने लगता है, ये नीचे यहाँ पर। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ये यू आकार की नली, इसका टेम्परेचर 1200, 900, 500 और 250। ठीक है, और क्षेत्रों के नाम है, गलन का क्षेत्र, अपचयन का निचला क्षेत्र, जब अपचयन का ऊपरी क्षेत्र, और प्रारंभिक ताप्तीकरण का क्षेत्र। कौन कौन सी कैसे निकालती है, CO CO2 N2, और इसमें कौन सा निष्पाती जायज होता है, CaCO3 और कोक यानी कोयला। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अपन ऊपर कौन सा चार्ज डालते हैं, Fe2O3 अपन बाग यहाँ सॉरी यहाँ पर हेमेटाइट वाला इसके डाल देते हैं। ठीक है, और इसके अस्तर में क्या लगाते हैं, चूना और सिलिका का धातु, ये वाला यहाँ पे एक लेयर लगा देते हैं। ठीक है, तो वो धातुमल बना लेती है। ढलवे लोहे में फ्रेंड्स कार्बन, सिलिकॉन और फास्फोरस की मात्रा भी मिली होती है, और कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है, CO2 निचले भाग में। यहाँ पर दो भाग होते हैं, तो ऊपर ध्यान दे, ऊपर वाले हिस्से से धातुमल बाहर निकल जाता है, नीचे वाले हिस्से से धातु बाहर, धातु भारी होती है इसलिए नीचे आ जाती है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिखाया गया फ्रेंड्स कि एल्युमिनियम की कौन कौन सी मिश्र धातु होती है जो अलॉय कौन कौन से होते हैं। एल्युमिनियम के जो अलॉयज होते हैं फ्रेंड्स याद कर लें, एल्युमिनियम के जो अलॉय होते हैं वो एक तो होता है ड्यूरेलुमिन, दूसरा एल्युमिनियम ब्रांच और तीसरा होता है मैग्नीलियम ब्रांच। ठीक है, इनमें कौन कौन से, ड्यूरेलुमिन में फ्रेंड्स चार मेटल्स होते हैं, आप इस तरह से एक प्लस करके याद रखेंगे। एल्युमिनियम का सबका कॉमन तो होगा ही होगा, ये तो आप याद ही रखें। ठीक है, तो ड्यूरेलुमिन में फ्रेंड्स क्या रहता है, एक तरफ एल्युमिनियम होता है, दूसरी तरफ कॉपर होता है। ठीक है, और एक तरफ Mn होता है और एक तरफ Mg होता है, इन दोनों का छोटा छोटा परसेंट होता है, 0.5 0.5
है, ये याद रखने के लिए कह रहा हूँ। और ये होता है 90% और ये होता है 4%, ठीक है। इस तरह से इसका उपयोग एरोप्लेन बनाने में होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर बनाने में होता है। इनका बहुत हल्की धातु होती है फ्रेंड्स। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो रहती है कॉपर जैसी दिखती है, एल्युमिनियम में एल्युमिनियम 10% होता है और ब्रॉन्ज जनरली इसमें ध्यान दें फ्रेंड्स, जो इसमें तांबे का बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉपर होता है 90%। इसका उपयोग बर्तन सिक्के और सस्ते आभूषण बनाने में होता है। मैग्नीलियम फ्रेंड्स क्या रहता है, इसमें मैग्नीलियम में याद रखेंगे जिससे मैग्नीज और एल्युमिनियम दोनों का कॉम्बिनेशन है इस ब्रांड, ठीक है। तो इसमें एल्युमिनियम होता है 90%, मैग्नीशियम होता है 10%, ठीक है। इसका उपयोग वायुयान औजार और तुला बनाने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक के निष्कासन की जो ऊर्ध्वाधर रिटार्ड विधि होती है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे पहले तो जिंक के आप कौन कौन से एस के याद रखें, जिंक ब्लेंडी जेड एन एस कैलामाइन जेड एन सी ओ थ्री और विलेमाइट यानी जेड एन एस ए ओ थ्री होता है, ठीक है। ये तीन फ्रेंड्स उसके कौन कौन से अलॉय होते हैं, मतलब एस होते हैं, ठीक है पूरे। अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, झाग प्लान विधि से इसका साधन कर लेते हैं। जनरली जो जितना भी जस्ता बनाया जाता है वो जेड एन एस से बनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी जिंक ब्लेंडी से बनाया जाता है। आप सांद्रित एस को सबसे पहले भर्जन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, भर्जन करने के लिए क्या रहता है, उसमें वायु की अधिकता में खुली भट्टी में इसको भर्जित होने देते हैं, गर्म करते हैं लेकिन इतना गर्म नहीं करते कि वो पिघल जाए। बस जेड एन ओ जेड एन एस में ऑक्सीजन जैसे मिलाएंगे तो जेड एन एस प्लस थ्री ओ टू इक्वल टू जेड एन एस प्लस जेड एन ओ प्लस एस ओ टू, ये एस ओ टू बाहर निकल जाती है। अब जेड एन एस जो थोड़ा बहुत रह जाता है फिर जेड एन ओ टू से मिलकर जेड एन एस ओ फोर बन जाते हैं। यदि ऐसा जेड एन एस ओ फोर बन जाए तो उसको फिर से हीट करते हैं, थोड़ा हीट करने पर जेड एन ओ फिर एसओ टू फिर ओ टू निकल जाता है, मतलब कुल मिला के हमें जेड एन ओ मिल जाता है, जिंक एड मिल जाता है, ठीक है। अब कैलामाइन एस्क में यदि यदि हम जिंक ब्लेंडिंग के बजाय कैलामाइन एस्क ले लेते हैं तो उसको हीट करेंगे तो जेड एन सी ओ थ्री जेड एन ओ और सी ओ टू में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें देखें अभी तो हम भजन के भजन से जितने भी ऐसे मिलेगा उसको एक खड़े रिटार्ड में भर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये खड़ा रिटार्ड है, खाली एक रिटार्ड रहता है, खाली स्थान को बोलते हैं रिटार्ड। इसमें कोक मिला देंगे, कोयला मिला देंगे, रिटार्ड में भर देंगे प्रोड्यूसर गैस के द्वारा। प्रोड्यूसर गैस यानी क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2, इन दोनों को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। और यहाँ से प्रोड्यूसर गैस को डाला जाता है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर फ्रेंड्स, इसमें टेम्परेचर कोई ज्यादा कोई खास टेम्परेचर नहीं बनाया जाता, केवल 140 डिग्री सेल्सियस ही इसको हीट किया जाता है। जेड एन ओ जो रहता है वो जेड एन में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, जेड एन ओ प्लस कार्बन रहता है फ्रेंड्स, तो ये जेड एन बन जाएगा और एक कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से बन जाएगी, ओके। तो जेड एन ओ जेड एन में अपचयित हो जाता है, जेड एन की वाष्प को संघनित्र में एकत्रित कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रहता है यहाँ से जेड एन ये धीरे 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 इकट्ठा हो जाता है और इधर निकल जाता है, ठीक है। ये जैकेट जिसमें प्रोड्यूसर गैस को अपन फ्लो करते हैं, ये चार्ज यहाँ से डालते हैं जिंकाइड को यानी जेड एन ओ को, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ ऐसी भी पदार्थ होते हैं जो यहाँ पर आके मेल्ट हो जाते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से मतलब जितने भी व्यर्थ पदार्थ रहा, अब जो जिंक रहता है वो जिंक क्या रहता है फ्रेंड्स, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर जिंक पूरा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, स्पेल्टर कहते हैं इसको। इसमें पीबी आर्सेनिक आयरन सिलिकॉन और कैडमियम और कार्बन आदि की स्थितियाँ होती है। इसमें लगभग 97.8% जिंक होता है। इसको फ्रेंड्स मतलब सुधारने के लिए या शुद्ध रखने के लिए क्या विद्युत अपवर्तनी का यूज करते हैं, इसमें एक मतलब एक अशुद्ध जिंक लगा देते हैं और एक शुद्ध जिंक लगा देते हैं, और यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध दोनों ही क्या एक पतली रोड रहती है, वो पतली रोड एकदम से यहाँ पर जिंक की रहती है शुद्ध की, और अशुद्धि की मतलब अशुद्ध जो जिंक रहता है उसकी मोटी रोड रहती है यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम इसमें जेड एन एस ओ फोर के सोल्यूशन में इसे मिलाएंगे जेड एन एस ओ विद्युत प्रवाहित जैसे करेंगे, ये जो शुद्ध वाला है फ्रेंड्स याद रखेंगे, इस ये किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है, ठीक है, और यह शुद्ध वाला जो है वो एनोड का काम करता है, ठीक है। जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर फ्रेंड्स क्या रहता है कि ये जो पतली रोड है मोटी होती जाती है, और जो मोटी रोड है वो अंततः पतली हो जाती है, पूरा वाला जो शुद्ध जिंक है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। फ्रेंड्स क्या होता है जब, देखिए थोड़ा सा कुछ याद कर लेंगे, क्या होता है जब नीले सोते गर्म करते हैं, मैंने आपको बताया नीले सोते गर्म करते हैं तो 100 पर एक चार्ज अणु निकल जाते हैं, सफेद रंग का बचता है, ठीक है सफेद, और 230 पर फ्रेंड्स वो अणु भी निकल जाएगा, निर्जल बच जाएगा एकदम काला। और यदि हम और ज्यादा हीट करेंगे इसको
फ्रेंड्स मतलब यहाँ पर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये CO SO3 बनाएगा, ये गैस निकल जाएगी, क्यूब्राइड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, सिल्वर नाइट्रेट या विलयन का अमोनियम हाइड्रोक्साइड यदि मिलाया जाता तो क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो ये क्या रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें जुड़ जाता है फ्रेंड्स, ये बन जाता है AgNH3 taken twice, और ये NO3 उसके साथ तो रहेगा नेगेटिव फॉर्म में, लेकिन एक संकुल बन जाता है डाई अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, स्टेनस क्लोराइड के विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड यदि मिलाया जाए तो, स्टेनस क्लोराइड के विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड यदि मिलाते हैं तो मर्करी मुक्त हो जाता है और स्टेनिक क्लोराइड बन जाता है, SnCl2 प्लस ट्वाइस HgCl2 इक्वल टू ट्वाइस Hg प्लस SnCl4। अगला फ्रेंड्स, तांबा गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ यदि क्रिया करता है तो तांबे को यदि गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कॉपर, बदल जाएगा कॉपर सल्फेट में, और इसमें से SO2 गैस बाहर हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी और साथ में H2O बचेगा। मर्क्यूरी क्लोराइड की KI से अभिक्रिया कराएंगे, ध्यान दें तो मर्क्यूरी क्लोराइड में यदि हम जैसे KI यदि मिलाएंगे तो फ्रेंड्स नेशनल अभिकर्मक बन जाता है इन्हें K2HgI4, ठीक है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसको नेशनल अभिकर्मक कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, SO2 और HCl2 की व्यंजन क्रिया में क्या अंतर है? दोनों ही कलर उड़ाने का काम करते हैं, व्यंजन यानी रंग को उड़ाना। तो देखो और एक बार याद रखेंगे, जब भी क्लोरीन रंग उड़ाती है तो स्थायी रूप से उड़ाती है, जबकि SO2 द्वारा यदि रंग उड़ता है तो अस्थायी होता है, मतलब फिर से दोबारा रिटर्न डी कलर परमानेंटली नहीं होता, फिर से कलर आ जाता है। SO2 जब भी कलर उड़ाती है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे तो वो अपचयन के द्वारा उड़ाती है, तो नमी की उपस्थिति में SO2 गैस वनस्पतियों के रंगीन पदार्थों को अपचयन द्वारा रंगीन बना देती है, यह व्यंजन अस्थायी होता है क्योंकि वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा रंगीन पदार्थ का ऑक्सीकरण दोबारा हो जाता है, मतलब जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है दोबारा उसको रंगीन पदार्थ में बदल देती है। रंगीन पदार्थ है ये H2O है और ये SO2 है, दोबारा देखिए ये रंगीन पदार्थ में बदल गया, ये रंगीन पदार्थ वायुमंडल के ऑक्सीजन लेके फिर से ये रंगीन पदार्थ में बदल गया। क्लोरीन क्या करती है फ्रेंड्स? क्लोरीन हमेशा ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा विरंजन करती है, इसलिए वो स्थायी होता है। CO2 द्वारा विरंजन ऑक्सीकरण क्रिया से होता है, नमी की उपस्थिति में या वनस्पतियों एवं रंगीन वस्तुओं का विरंजन कर देती है, जैसे आप देखते हैं फूलों के रंग उड़ जाते हैं, पत्तियों के रंग उड़ जाते हैं, हमारे बालों के भी रंग उड़ जाते हैं, ये सब विरंजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, Cl2 यदि जल से क्रिया करेगी तो नवजात ऑक्सीजन फ्री करेगी, पहले बनेगा हाइपोक्लोरस एसिड नवजात ऑक्सीजन को फ्री करेगा, ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, रंगीन पदार्थों से क्रिया करके उसे रंगीन में बदल देगा, ये एकदम स्टेबल होता है, स्थायी होता है। सल्फर के 5 ऑक्सी अम्लों के सूत्रों के नाम और संरचना बनाना फ्रेंड्स याद रखें, जो सल्फर के पहला है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूर यानी H2CO3, नाम एक बार याद कर लें, H2SO3, H2SO4, H2S2O7 और H2S2O3 और H2S2O8, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये हो जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड और ये हो जाएगा मार्शल या परोक्सी एसिड होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वो परोक्सी है फ्रेंड्स। देखें सल्फर के जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है टोटल आप कहीं पे भी मिलाएंगे सब जगह आपको 6 मिलेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो देखो 3 ऑक्सीजन लिख दिए और 2 हाइड्रोजन लिख दिए, सिंगल ऑक्सीजन रहेगा तो डबल बना देंगे, 6 होने चाहिए, 6 नहीं थे यहाँ पे, तो हमने एक यहाँ पर लोन पेयर बना दी, ठीक है, यहाँ पर एक लोन पेयर है। H2SO4 में देखें 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन रख दिए, 2 हाइड्रोजन रख दिए, जो ऑक्सीजन सिंगल बची डबल कर दिए। थायोसल्फ्यूरिक H2S2O3 में क्या रहेगा, 2 सल्फर है, 1 सल्फर है, उसके चारों तरफ देखो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन रख दिए, 1 सल्फर रख दिए, जहां पर OH आया उसको सिंगल बॉन्ड से, जहां पर O या S आया उसको डबल बॉन्ड से, टोटल 6 हो जाना चाहिए। H2S2O7 पायरो में देखे 2 सल्फर हो गया, अब 7 ऑक्सीजन है तो 3 इस तरफ हो गई, 3 इस तरफ हो गई, 1 बीच में हो गई, 7 हो गई, 2 हाइड्रोजन है तो 1 इस तरफ हो गया और 1 इस तरफ हो गया, ठीक है, ये बच गए। यहाँ पर OH है सिंगल से है और यदि ऑक्सीजन है तो डबल से, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डबल से ही है। मार्शल में देखें H2SO8, तो यहाँ पर 2 सल्फर, ये 2 सल्फर दिखाई दे रही है फ्रेंड्स,
और चार चार ऑप्शन दोनों में बांट दिए, एक दो तीन चार यहाँ पर भी, एक दो तीन चार यहाँ पर भी, ये ऑप्शन आपस में जोड़ दिए, एक एक हाइड्रोजन बांट दिए, ठीक है। ये उसके मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ओस्टवाल्ड विधि से। देखें इसको बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक भाग यानी ये अमोनिया लेते हैं एक भाग, और आठ भाग क्या लेते हैं यानी इसका वायु ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे यानी थ्री प्लस फाइव ओ टू इक्वल टू फोर एनओ प्लस सिक्स एच टू ओ। तो लगभग याद रखेंगे इसमें टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ता है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब जैसे ही हम करते तो एनओ बन जाती है। अब एनओ को क्या करेंगे फ्रेंड्स, एनओ जो रहता है ऑक्सीजन के साथ ये जाली के ऊपर प्रवाहित करते हैं, प्लेटिनम की जालियों में से प्रवाहित करेंगे। तो प्लेटिनम की जैसी जाली के ऊपर से जाती है फ्रेंड्स, तो क्या रहता है वो दोनों मिलकर NO2 बना लेती है। अब ये देखो ये NO2 बन गए, इस चैम्बर में बन गए यहाँ पर NO2। अब NO2 बनने के बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पर इसका वाटर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है NO2। अब ये NO2 जैसे वाटर के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रिएक्शन बता दूं कि H2O plus NO2 equal to क्या बन जाएगा HNO3। हालांकि थोड़ी मात्रा में HNO2 भी बनता है फ्रेंड्स, यानी नाइट्रस अम्ल नाइट्रिक अम्ल दोनों ही बनते हैं यहाँ पर। फिर दोबारा नाइट्रिक अम्ल दोबारा इसको HNO3 में ही बदल देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कक्ष जिसको उत्प्रेरण कक्ष कहते हैं, कैटेलिटिक वाला कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं, और ये वाटर चैम्बर है जहाँ पर धुलाई होती है इसकी, ठीक है। तो NO2 का मैंने रिएक्शन बता दिया फ्रेंड्स, ये देखेंगे HNO2 दोबारा किस में बदल जाती है, HNO3 में बदल जाती है। ब्रॉडी ओजनाइजर, ओजन बनाने की फ्रेंड्स विधि है, सचित्र वर्णन में आपको बता दूं। इसमें एक यू आकार की नली दिखाई दे रही है, देखो यू आकार की नली है। इसमें हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर H2SO4 का पूरा लिक्विड भर दिए, हमने यहाँ पर एक प्लेटिनम का तार डाल देते हैं, ये प्लेटिनम का तार डाल देते हैं, ठीक है। पूरे जो बर्तन को हमने क्या कर दिया, ये भर दिया और इसमें यू आकार की नली को लटका दिया, ठीक है। अब इसमें प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड भी लगा दिए हमने। अब इसमें हम यहाँ से ऑक्सीजन को फ्लो करेंगे, जैसे हम ऑक्सीजन को फ्लो करेंगे और ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, जो ओ2 है ये इस तरह से ओ2 मिलकर ओ3 बना लेगा, मतलब ऑक्सीजन ओ3 बना लेता है लेकिन हाई टेम्परेचर पर, जिसमें चिंगारी भी निकलती है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन लगभग लगभग केवल 20% ऑक्सीजन ही ओजोन में बदल पाती है, 80% नहीं बदल पाती, तो इसको घुमा के फिर से फ्रेंड यहीं पर ही भेज देते हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं ब्रॉडी ओजोनाइजर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती है। और देखिए उत्कृष्ट गैसें फ्रेंड्स याद रखें, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, तो ये जो है ये सब उत्कृष्ट गैसें हैं। तो एक परमाणु इसलिए होती है क्योंकि इसके आखिरी कोष में, जैसे अपन आर्गन का देखें तो आर्गन में भी दो आठ मतलब बाहर देखेंगे यदि फ्रेंड्स, तो बाहर इसके आउटर सेल में केवल आठ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आठ इलेक्ट्रॉनों का यदि हम यदि जोड़ा भी बनाएंगे तो सब जोड़े से बनेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो कोई भी नहीं बनेगा। यदि हम इसी का करें तो 1s2 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6। अब 2p6 ये नहीं है, देखो ये p में भी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये भी जोड़ा ही बन रहा है यहाँ पर। तो जोड़ा बनने के कारण कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कोई रासायनिक बंध नहीं बनाते, इसलिए एक परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनकी त्रिज्या थोड़ा सा अधिक होती है क्योंकि देखिए आउटर सेल तो इनकी टोटल भरी होती है, तो दो दो जैसे आर्गन है तो इनके बीच में भी कोई बॉन्ड तो बनता नहीं है, तो बॉन्ड ना बनने के कारण ये दूर दूर रहते, एक परमाणु होने के कारण केवल इनकी ससंयोजी त्रिज्या होती, जो कि सॉरी बॉन्ड वाल तो फोर्स होता नहीं इसमें, तो इसलिए ये दूर दूर होने के कारण इनकी जो रेडियस रहती है थोड़ा सा बढ़ जाती है। उत्कृष्ट गैसों की आयन ऊर्जा फ्रेंड ध्यान दे, इसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, रासायनिक बंध बनाना नहीं होता, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी आयन ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है फ्रेंड्स। अंतरा हैलोजन यौगिक इसमें से कोई AB2 AB5 एक आ भी सकता है, तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हैलोजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन परिवार के सदस्यों की रणविता में अंतर होने के कारण दो विभिन्न हैलोजनों का संयोग संभव हो पाता है। हैलोजन कौन कौन से फ्रेंड्स याद कर लेंगे आप, फ्लोरिन है, क्लोरिन है, ब्रोमिन है, आयोडीन है, ठीक है, एस्टाडिन उसको छोड़ देंगे और रेडियोएक्टिव है। तो
अब इनमें अलग अलग ऋणुता होती है, इसलिए इनके बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। इनका फॉर्मूला होता है AXN, देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये AXN होता है, जहाँ N क्या होता है, 1, 2, 3, 5, 7 इन्हें विषम संख्या होती है। AX यदि होगा तो उसका फॉर्मूला CLF, BRF, BRCL, IBR, ICL, और ध्यान दें AX3 होगा तो CLF3, BRF3, ICL3, AX5 होगा तो BRF5, IF5, AX7 होगा तो IF7। एक देख ले फ्रेंड्स प्रकार में कोई एक CLF देखते हैं। इनकी आकृति हमेशा रेखीय होती है। CLF में कौन होगा मेन, तो इसमें क्लोरीन केंद्रीय परमाणु होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं 17 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ओके ये होता है। तो इसमें आखिर में एक आयुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है जो दूसरे परमाणु से मिलकर सहजीव बंध बना रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंतरा हेलोजन यौगिक। हेलोजनों के आपस में मिलने से तो यौगिक होता है, अंतरा हेलोजन यौगिक होता है। अक्रिय गैसों का क्या क्या उपयोग है फ्रेंड्स, देखें अक्रिय गैसों का उपयोग होने के कारण, देखें सबसे पहले क्या रहता है, आर्गन का उपयोग। आर्गन का उपयोग स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम आदि की वेल्डिंग के समय अक्रिय वातावरण बनाने में होता है। अगला विद्युत बल में फ्रेंड्स 25% नाइट्रोजन और 75% कौन भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है, जिससे वो क्या जलता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका उपयोग रेडियो बल्ब में भी करते हैं। पहले वाले जो रेडियो बल्ब आते थे फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे छोटे जो चिप रहती थी रेडियो बल्ब, अब बंद हो गए। विभिन्न प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए आर्गन को नियोन के साथ विसर्ग नली में विस्तृत किया जाता है। नियोन के उपयोग फ्रेंड्स, नियोन क्या है, प्रकाश का उपयोग विज्ञापन में उपयोग किया जाता है। आप देखते जितने फ्लैक्स बोर्ड है सब में फ्रेंड्स नियोन के साथ पारे के वाष्प मिला देते हैं। नियोन लैंप का उपयोग फ्रेंड्स हवाई जहाज में संकेतक के ऊपर से जब हवाई जहाज उड़ता रहता है तो यहाँ पर उसको संकेत देने के लिए सामने और पीछे यहाँ पर नियोन के बल्ब लगा दिए जाते हैं। और यदि हेडलाइट मोटर वाहन में लगा देंगे तो कोहरे में भी लंबे दूरी तक हम उसको देख सकते हैं। क्रिप्टॉन और जेनॉन का उपयोग फ्रेंड्स विद्युत बल्बों में भी कर सकते हैं, लेकिन ये महंगे इसलिए बहुत कम उपयोग होता है। इसका उपयोग फ्लैश फोटोग्राफी में भी होता है। इसका उपयोग फ्लोरोसेंट और इंडस्केंस यानी तापदीप्ति विसर्जन लैंप आदि बनाने में अधिक हो रहा है। क्रिप्टॉन का उपयोग हवाई जहाज को उतारते समय फ्रेंड, जहां पर हवाई जहाज उतरता है तो रात में जनरली जगह नहीं दिखती, इसलिए वहां पर क्रिप्टॉन के लैंप लगा दिए जाते हैं जो एक मिनट में 40 बार चमकता रहता है। रेडॉन का उपयोग फ्रेंड्स रेडियो धर्मी में होता है, कैंसर के उपचार में होता है, और एक्स किरणों को बनाने में भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरीन में +1 और -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जबकि अन्य हैलोजन तत्व बाकी +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन नंबर को करते हैं। कारण, क्योंकि फ्रेंड्स जो +1 और -1 ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए शो करती है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। तो 5 होने के कारण आखिरी कक्ष में फ्रेंड्स एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित रह जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन को वो जोड़ सकती है, छोटा आकार होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को रख भी नहीं सकती, इसलिए केवल ऑक्सीडेशन केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर या +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या है, ध्यान देंगे। संक्रमण तत्व हमेशा धात्विक होते हैं, धन विद्युतीय गुण के होते हैं, हमेशा ये कठोर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप देखते हैं सोना चांदी तांबा वगैरह सब सॉलिड है। ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक भी होते हैं। इनका मेल्टिंग और बीपी यानी गलनांक और क्वथनांक दोनों ही अधिक होता है। परिवर्तित ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं अलग अलग। ये रंगीन होते हैं, सभी धातुएं देखते हैं अपन यहाँ पर, सोना चांदी तांबा सब रंगीन होते हैं। ये समन्वय यौगिक भी बनाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ये मिश्र धातु बनाते हैं और अधातुओं के साथ अंतराकाशी यौगिक भी बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो संक्रमण तत्व में आपको बहुत शॉर्ट में समझा दूं फ्रेंड्स क्या रहता है कि आप देख रहे हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु या उनके जो आयन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि हम ये बोले कि डी कक्ष यदि अपूर्ण रूप से भरा होता है, तो अपूर्ण रूप से यदि भरा होगा तो हम उन्हें हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। और ये आवर्त सारणी के समूह 2 और समूह 13 के बीच में पाए जाते हैं।
इनका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेंगे आप, एन माइनस वन डी वन डैश टेन एन एस वन डैश टू होता है, ठीक है, मतलब बाहर एस होता है उसके अंदर डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक भराए जाते हैं। किसी तत्व द्वारा अपने परमाणु में से एक या अधिक से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता पर उसका धातु को निर्भर करता है। सभी संक्रमण तत्व धातुएं होती है, याद रखेंगे, सिर्फ इसमें अपवाद एक भी नहीं है। सभी के बाह्यतम कोष में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से त्यागे जा सकते हैं, इसलिए इनकी आयन ऊर्जा भी कम होती है बहुत, इसलिए धातु प्रकृति की होती है। याद रखेंगे जितने भी सभी होते हैं ये मेटलिक होते हैं, यानी धातु प्रकृति के होते हैं। इनका कारण केवल इतना होता है कि आउटर सेल में एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इजिली निकल जाते हैं, इसलिए मेटल है। अच्छी उत्प्रेरक क्यों होती है फ्रेंड्स, याद कर लें, अच्छी उत्प्रेरक इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास आंशिक रूप से भरा हुआ, यानी पूरा नहीं, पूरा से कम आंशिक रूप से भरा हुआ डी ऑर्बिटल होता है। ये तत्व अस्थायी माध्यमिक यौगिक बना लेते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, कोई भी काम आसानी से हो जाता है। जैसे अमोनिया बनाने की हैवर विधि में जो आयरन है वो क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ओलिफिन के हाइड्रोजनीकरण में जैसे जो वनस्पति घी वगैरह बनाया जाता है उसमें निकिल धातु उत्प्रेरक का कार्य करती है। परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित क्यों करते हैं फ्रेंड्स, देखिए परिवर्तित संयोजकता इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एन माइनस वन डी कक्षक और एन एस कक्षक, यानी ये जो दोनों कक्षक होते हैं एन माइनस वन डी और एन एस, इन दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए जितनी एनर्जी से एनएस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी एनर्जी से एन माइनस वन डी कक्षक का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो बढ़ जाती है और परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। रंगीन आयन बनाने का कारण होता है फ्रेंड्स एन माइनस वन डी कक्षक जो पूरा भरा नहीं होता। अब एन माइनस वन डी कक्षक में रहते हैं वास्तव में 5 कक्षक रहते हैं, तो 5 में से फ्रेंड्स क्या रहते हैं, ये 2 भागों में टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है ये, ठीक है, आधा ऊपर चला जाता है और आधा भाग नीचे आ जाता है, या तो इसमें दो डब्बे ऊपर चले जाएंगे या 3 चले जाएंगे। अब इनके बीच में एनर्जी गैप बन जाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे वाले डी कक्षक से जंप होकर ऊपर वाले डी कक्षक में जाता है, तो जब जाता है तो जो सूर्य का प्रकाश है उससे लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो कुछ रंग इसमें अनुपस्थित रहते हैं जिसकी वजह से रंगीन दिखाई देता है। मतलब डी का एक कक्षक दूसरे डी कक्षक से संक्रमण होता है, संक्रमण के समय दृश्य से कुछ विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं, शेष को वो उत्सर्जित कर देते हैं, तो वो कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। जैसे कॉपर Cu H2O पॉजिटिव, ये हमेशा नीला रंग का दिखता है क्योंकि ये लाल रंग को क्या कर देते हैं, लाल रंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिससे जो लाल रंग को छोड़ के शेष रंगों को मिलाएंगे तो वो नीले रंग का दिखाई देगा। तो Cu जैसे क्रोमियम है वो भी नीला दिखता है, क्रोमियम थर्ड है वो बैगनी दिखता है, मैग्नीशियम मैग्नीज जो है वो बैगनी रंग का दिखता है, मैग्नीज थर्ड गुलाबी रंग का दिखता है, आयरन टू पॉजिटिव ये हमेशा हरा दिखता है, Fe3+ ये पीला रंग का दिखता है। संक्रमण तत्व अक्रिय क्यों होते हैं, बहुत कम काम करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए जैसे सोना चांदी हम लोग इनको अक्रिय कैसे अक्रिय तत्व बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव का ऋणात्मक मान बहुत कम होता है, इनकी आयन ऊर्जा उच्च होती है और इनकी वाष्पन या कणीकरण ऊर्जा का मान बहुत उच्च होता है और जलीय ऊर्जा का मान भी उच्च होता है, इसलिए ये ज्यादातर अक्रिया नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्लोरीन में अभी मैंने बताया +-1 क्योंकि इसके पास याद रखेंगे छोटा आकार होने के कारण इसके आउटर सेल में ध्यान देंगे फ्रेंड्स केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिससे वो ससेंजी बंध बना लेते हैं और इसमें अतिरिक्त डी कक्षक नहीं होता, डी कक्षक ना होने से ही अपने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ा सकता। लेंथेनाइट संकुचन क्या है फ्रेंड्स, लेंथेनाइट संकुचन में क्या रहता है फ्रेंड्स, जब हम लेंथेनाइट सीरीज में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उनके परमाणुओं के आकार में इस तरह से धीरे धीरे क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, ठीक है। सो ये आकार का घटना ये क्या कहलाता है, इसको लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं, ठीक है, आकार में कमी को। लेंथेनाइट में आने वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखेंगे वो कहाँ जाता है, N-2F कक्षक में जाता है, ना कि N-1 में जाता ना N में जाता है, मतलब बाह्यतम से एक अंदर में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे परमाणु रायन हमेशा संकुचित हो जाता है। इसका क्या परिणाम है फ्रेंड्स, पहली बात तो इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, इसके रासायनिक गुण संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुण ध्यान दें। अब यदि इन सभी का आकार क्या रहता है, लगभग यदि इसका संकुचन हो गया तो ऊपर वाले परमाणु नीचे वाले परमाणुओं का आकार लगभग समान हो जाएगा, तो
तो हम इनमें अंतर नहीं कर पाते। पहला तो इनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन हो जाता है क्योंकि वो सिमिलर दिखाई देते हैं। अन्य गुणों पर प्रभाव समझ लें तो लेंथेनाइडो से आने वाले पूर्व आने वाले तत्व और इनके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे टाइटेनियम और जर्कोनियम के गुणों में भिन्नता होती है जबकि जर्कोनियम और हाफियम के गुणों में काफी समानता होती है। मतलब इनमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे की सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं इसलिए इनको केमिकली अलग करना मुश्किल हो जाता है। प्रभावी परमाणु संख्या EN क्या है फ्रेंड्स? देखें कोई भी जैसे ये हमारे पास संकुल है इसमें जो केंद्रीय परमाणु आयरन है ठीक है तो केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और बंद बनाने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दे तो ये कहलाता है EN यानी परमाणु संख्या माइनस आयन बनने से उपलब्ध इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों युग्मों की संख्या ठीक है। मतलब 26 में से दो तो घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ही दो है और चूंकि इसमें 6 साइनेट लगे हुए इसलिए एक साइनेट से दो यानी टोटल 12 तो 12 और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या गया 36। हमेशा याद रखेंगे EN जो नंबर होता है वो हमेशा अक्रिय गैसों का ही एटॉमिक नंबर होता है। देखिए फ्रेंड्स जो भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ता है जैसे तो संरचना जो भिन्न होती है वो एक दूसरे के साथ समयावयवी होते हैं तो इस प्रकार की समयता को हम क्या कहते हैं बंधन समयता कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये निकिल है निकिल में अमोनिया और यहाँ पर देखो थायोसाइनेट यानी SCN दोनों ही है। अब इसमें यदि हम देखेंगे SCN अब इसको हम लोग इस तरह से भी क्योंकि इसमें जो डोनर है यानी जो इलेक्ट्रॉन देने वाला वो कौन यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर डोनर कौन है नाइट्रोजन है तो जब निकिल से यदि सल्फर जुड़ेगा तो कुछ और स्ट्रक्चर आएगा नाइट्रोजन जुड़ेगा तो कुछ और स्ट्रक्चर आएगा। तो यदि अलग अलग प्रकार से यदि कोई लिगेंड जुड़ता है एटम से यानी मेटल से तो इस प्रकार की समयता को बंधन समयता कहते हैं ठीक है। तो जब केंद्रीय धातु आयन में एक ही लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़ता है तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं बंधन समझौता कहते हैं ठीक है। उदाहरण आप देख रहे हैं इसमें इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स पेंटा एमिनो थायोसाइनेट निकिल क्लोराइड ओके। चलिए आयनीकरण समझौता में देखें इनका मूलानुपाती सूत्र तो वही होगा मतलब फॉर्मूला तो दोनों में सिमिलर रहेगा लेकिन आयनन के पश्चात ये जब अपन इसको घोलेंगे डिसॉल्व करेंगे तो अलग अलग प्रकार के आयन देंगे तो इसको आयनन समझौता कहते हैं। यह समझौता आयनन समझौता कहलाती है। इसमें मंडल के भीतर और बाहर लिगेंड का विनिमय होता है ना एक्सचेंज होता है अंदर बाहर लिगेंड जा सकते हैं। जैसे ये देखो ये ब्रोमीन जो है अंदर है और सल्फर बाहर है अब इन दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा तो ब्रोमीन यहाँ बाहर आ गया और सल्फेट यहाँ अंदर आ गया तो CONH3Br SO4 जो है कोबाल्ट पेंटामिनो ब्रोमो सल्फेट ये आयनीकरण समझौता देते हैं ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है। सैंडमेयर अभिक्रिया देखें फ्रेंड्स इसमें क्या रहता है कि जब एनिलीन यानी C6H5NH2 एनिलीन की अभिक्रिया जब NaNO2 और HCl यानी ये नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण है इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जो NH2 है वो हमेशा किसमें बदल जाता है N2Cl में बदल जाता है ठीक है। लेकिन इसको याद रखें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए अभिक्रिया। अब क्या रहेगा यदि हम इसको किसी हेलोजन अम्ल और उसी के किसी कॉपर लवण के साथ यदि हीट करेंगे तो यहाँ का नाइट्रोजन बाहर चला जाता है ये क्लोरोबेंजीन बन जाती है ठीक है। तो एनिलीन से यदि हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमीन ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो सैंडमेयर अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इसमें बीच में जो माध्यमिक यौगिक रहता है फ्रेंड्स याद रखेंगे ये माध्यमिक यौगिक जरूर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है इसमें ठीक है। आप क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ध्यान देंगे क्लोरल से इसको कैसे अभी सांद्रष्टोफोर की अभिक्रिया यदि कराते हैं तो DDT कैसे बनता है ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है ना ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं C6H5Cl है ना ये क्लोरोबेंजीन के दो एटम है और यदि हम इसको क्लोरल के साथ गर्म करते हैं क्लोरल यानी CCl3CHO ठीक है। यदि हम इसको देखो ये CHO हो गया और ये CCl3 हो गया इसको यदि हीट करते हैं तो ये वाटर का पूरा एक मॉलिक्यूल निकल जाता है ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल ध्यान देंगे प्रेजेंस में सांद्रष्टोफोर होना अनिवार्य है तो ये क्या कहेगा ये जुड़ जाएगा पूरा के पूरा इसको बोलते हैं फ्रेंड्स DDT यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिलीन ठीक है। ये कीटनाशक है याद रखेंगे फ्रेंड्स कीटनाशक है प्रबल कीटनाशक है
लेकिन आजकल इसके उपयोग पर बैन लग चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हुंसडीकर विधि क्या है। हुंसडीकर विधि में यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, ये जैसे देख रहे हैं आप सिल्वर बेंजोएट, इसको यदि हम ब्रोमीन की उपस्थिति में यदि हीट करते हैं किसी भी कार्बनिक मिलायक जैसे CCl4 की उपस्थिति में 100 के अप्रोक्स टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अलग निकल जाएगा, HBr अलग निकल जाएगा, तो ब्रोमो बेंजीन बनाने की ये सबसे बेहतर मेटेरियल है हुंसडीकर विधि फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। जब किसी एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC, दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता फ्रेंड्स, C6H5NC बनता, बहुत दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, इसको कार्बिल एमीन कहते हैं। इसमें 3 पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, इसमें एरोमेटिक एमीन की जगह एलिफेटिक एमीन भी लिए जा सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर बनेगा एथिल आइसोसाइनाइड। ओके, वेस्ट्रॉन क्या है फ्रेंड्स, देखिए वेस्ट्रॉन में जब एसिटिलीन की अभिक्रिया जब भी हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्लोरीन पूरी तरह ऐड हो जाती है, इसको वेस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दें, जब RX यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है ईथर की उपस्थिति में तो हमेशा एल्केन, बड़े एल्केन बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। फ्रैकलैंड में फ्रेंड्स यहाँ पर Na की जगह जिंक आ जाता है, बस फार्मूला बाकी सब कुछ सेम रहता है, तो यहाँ पर ZnR2 निकल जाएगा जैसे NaX निकला था, तो बनेगा वही एल्केन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी R-R बना था, यहाँ पर भी R-R बनेगा। फिटिक भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन बस इतना है कि फ्रेंड्स यहाँ पर R की जगह आपको एरोमेटिक लेना है, बस C6H5Cl+2NA+C6H5Cl, तो ये क्या बनेगा, डाइफेनिल बन जाएगा, NaCl वही निकल जाएगा। फिटिक जो है वुड्स अभिक्रिया का ही एक फॉर्म, इसमें भी इथर सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा, ये OH और ये यहाँ का H बाहर निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, तो ये बाहर निकल गया, ये H2O हो गया। ठीक है, यहाँ तो क्या बनेगा, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा आर्थो में, और यदि दूसरा पार्ट देखेंगे तो ये पैरा बनेगा, यहाँ पर ये अपोजिट में, इसलिए पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नाइट्रीकरण में क्या होगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे हमेशा जो क्लोरीन है ये क्लोरीन सेफ रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें H2O4 मिला दिया जाता है इसलिए, और यहाँ पर NO2 मिल जाएगी। ठीक है, ये वही रिपीट है रिएक्शन फ्रेंड्स। ओके, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सल्फोनीकरण में यहाँ पर डायरेक्ट H2O4 मिलाएंगे तो क्या होगा, ये OH और यहाँ का H बाहर निकल जाएगा H2O4 में, बाकी जो है वहाँ पर आर्थो में और पैरा में ऐड हो जाएगी, तो आर्थो क्लोरो बेंजो सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरो बेंजो सल्फोनिक अम्ल बनेगा। 666 क्या है, ध्यान दें फ्रेंड्स, बेंजीन मतलब क्या रहता है, जब C6H6 यानी बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं लेकिन हमेशा अल्ट्रावायलेट किरण की उपस्थिति होना चाहिए, तो क्या होगा, C6H6 और Cl6 यानी BSc यानी 666 या BSc बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं, सभी कॉर्नर पर क्या लिखेंगे आप, क्लोरीन ही क्लोरीन लिखेंगे। ये भी एक प्रबल कीटनाशक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे यहाँ DDT से बहुत हेवी कीटनाशक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि फ्रेंड्स, ध्यान दें, सबसे पहले क्या करते हैं, विरंजक चुन लेते हैं, ये CaOCl2, इसमें H2O जल मिलाते हैं तो क्या बनेगा, चूने का पानी यानी CaOH taken twice plus Cl2। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम एथिल एल्कोहल लेंगे यानी C2H5OH या CH3CH2OH, उसमें क्लोरीन मिलाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, एस्टेल्डिहाइड CH3CHO मिलेगा। अब एस्टेल्डिहाइड की अभिक्रिया दोबारा क्लोरीन से करेंगे तो क्या मिलेगा, CCl3CHO मिलेगा। अब CCl3CHO मतलब क्या है, ये क्लोरल है। अब क्लोरल की अभिक्रिया दोबारा जो हमारे प्रथम पद में बना था वो चूने का पानी, उससे अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे ये गलती से लिखा गया CCl3 होना था, तो ये CCl3 और ये H3 बन जाएगा CsCl3, जो बचेगा वो बन जाएगा आपका कैल्शियम फॉर्मेट CA। ठीक है, SC2CA बनेगा। ठीक है, और आप एसीटोन से भी बना सकते हैं, एसीटोन में भी वही काम करना पड़ेगा लेकिन पहली अभिक्रिया इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन करेंगे तो ट्राइक्लोर एसीटोन बनेगा, और फिर उसका ट्राइक्लोर एसीटोन की अभिक्रिया यदि हम वो यहाँ पर ये वाली रिपीट होगी तो ये चूने के पानी से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर CaCl3 और यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा CH3CaA। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वायु में यदि हम कभी क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं तो क्लोरोफॉर्म वास्तव में क्या है, जैसे किसी को बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते थे वो पहले क्लोरोफॉर्म के ही लगाए जाते थे, तो हमेशा फ्रेंड्स क्या रहता था कि यदि क्लोरोफॉर्म में
थोड़ी सी भी वायु चली जाती है, ये वायु चली जाती है तो ये क्लोराल बन जाता था, मतलब CuCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बन जाता था, ये फाजिन बोलते हैं इसे। ये बहुत ही विषैला होता था जिससे मृत्यु भी हो जाती थी। अब इसको फाजिन ना बने इसके लिए हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, हमेशा नीले या भूरे रंग की बॉटल में रखना चाहिए, नीले रंग की या भूरे रंग की बॉटल में, ये याद रखेंगे ठीक है, नीला या भूरा रंग। और हमेशा बॉटल को हमेशा कहाँ तक रखेंगे, जैसे ये बॉटल है तो हमेशा इसको मुंह तक डॉट भर कर रखेंगे ठीक है। तीसरा काम क्या करेंगे, इसको हमेशा डार्क में रखेंगे यानी अंधेरे में रखेंगे, सूरज की रोशनी में सीधे नहीं मिलेंगे। चौथा काम क्या करेंगे, इसमें 2 बूंद C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के मिला देंगे। क्यों, यदि एथिल अल्कोहल मिल गया और यदि फाजिन बन भी जाता है तो थोड़ा जो वो है वो डाईएथिल कार्बोनेट में बदल जाता है, यानी C2H5 के कंट्रास्ट CO3 में बदल जाता है जो जहरीला नहीं होता। कार्बिलेमीन अभिक्रिया याद कर लेंगे फ्रेंड्स, हमेशा एरोमेटिक एमीन के अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में करेंगे, यानी C6H5NH2 + CaCl3 + 3KOH की उपस्थिति में करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनेट बनेगा, ये बहुत ही दुर्गंधयुक्त होता है ठीक है, यानी कार्बिलेमीन बनेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जब भी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर के साथ की जाती है तो क्या होता है, तो सिल्वर के साथ करेंगे तो ये 3 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन और 6 सिल्वर, AgCl बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। नाइट्रिक करंट फ्रेंड्स क्या रहेगा, ये हमेशा जो क्लोरोफॉर्म है नाइट्रिक अम्ल के साथ यदि हम मिक्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रिन बनेगा, CCl3NO2 बन जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हमेशा कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgNO2 के साथ करेंगे तो AgBr निकल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोएथेन मिलेगा, C2H5NO2 मिलेगा। यदि हम अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया इन्हें क्या मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में नहीं, यानी ये वुड्स अभिक्रिया है फ्रेंड्स याद रखेंगे ठीक है, वुड्स अभिक्रिया के साथ करेंगे तो वही क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, CH3 CH3 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये CH3 ये CH3 आपस में ऐड हो जाएंगे और एथिल बन जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा। यदि अब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करेंगे तो देखें NaOC2H5 के साथ करेंगे तो NaBr अलग निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये एक ईथर बन जाएगा, डाईएथिल ईथर बन जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। अगला एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करेंगे तो वैसे ही जैसे फ्रीडल कार्ड हुई थी वैसे यहाँ पर Mg आ जाएगा तो यहाँ पर MgBr2 बन जाएगा और यहाँ पर बड़ा आयरन ब्यूटेन बन जाएगा ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, फिनॉल और अल्कोहल में क्या अंतर है, फिनॉल में हमेशा फिनोलिक गंध आती है याद रखेंगे, अल्कोहल में हमेशा अल्कोहल की मीठी गंध आती है, आप देख सकते हैं जैसे अल्कोहल कोई वाइन शराब को कैसी गंध आती है ठीक है। फिनॉल आप घरों में जो जो पोछा वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फिनाइल, उसमें फिनॉल की गंध आती रहती है। ये फिनॉल फ्रेंड्स याद रखें C6H5OH इसका फार्मूला होता है, इसलिए इसमें H जो है थोड़ा अम्लीय होता है ठीक है, तो अम्ल हमेशा क्षारों से घुलकर लवण बनाते हैं, ये उदासीन होता है, भले इसका फार्मूला C2H5OH होता है फ्रेंड्स लेकिन फिर भी H होने के बावजूद भी ये उदासीन होता है, ये एसिड व्यवहार नहीं शो करता, इसे क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता। ऑक्सीकरण करने पर हमेशा रंगीन उत्पाद बनते हैं और ये ध्यान देंगे ये भी ऑक्सीकरण होकर हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं ठीक है, ये रंगीन आयन बनाते हैं जबकि, और फेरिक क्लोराइड के साथ हमेशा यदि इसको मिलाएंगे तो एक विशेष एक पर्टिकुलर रंग देगा, यानी C6H5Cl के साथ ये पर्टिकुलर रंग देता है और ये फेरिक क्लोराइड के साथ कोई क्रिया नहीं करते। हेलोजन अम्लों के साथ जो फिनॉल है वो कोई क्रिया नहीं करता, जबकि यहाँ पर हेलोजन अम्लों के साथ हमेशा क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है, यानी इस तरह का C2H5Cl बन जाता है ठीक है। यहाँ पर PCl5 के साथ फ्रेंड्स याद रखेंगे ये ट्राइएरिक फास्फेट बनाता है, हाँ ट्राइएरिक यानी C6H5 टेकन थ्राइस बनता है P, और इसमें फ्रेंड्स याद रखेंगे हमेशा जब भी PCl5 के साथ करेंगे तो वही C2H5Cl ही बनेगा, C2H5Cl ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, शुद्ध फिनॉल रंगहीन ठोस होता है परंतु कुछ समय पश्चात वो गुलाबी क्यों हो जाता है, गुलाबी इसलिए हो जाता है क्योंकि वायुमंडल के ऑक्सीजन को अवशोषित करके क्विनोन बना लेता है और क्विनोन हमेशा गुलाबी रंग का होता है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की फ्रेंड्स देखो विक्टर मेयर विधि, उसमें सबसे पहले HI मिलाएंगे तो HI में क्या होगा, ये OH और H जुड़ जाएगा, I उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH2I, यहाँ पर R2CHOH है यानी द्वितीयक अल्कोहल है तो भी यहाँ पर OH हट करके आ जाएगा, H के साथ हट जाएगा और I आ जाएगा, यहाँ पर भी OH की जगह आई आ गया, तीनों में आई आ गया, OH को हट गया फ्रेंड्स। अब इसमें AgNO3 मिलाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट यदि मिलाएंगे तो आई की जगह दोबारा क्या आ जाएगा, NO3 आ जाएगा, यहाँ पर भी आई के स्थान पर NO3, यहाँ आई के स्थान पर NO3, तो ये मिल जाएगा हमें RCH2NO2, R2CHNO2 और R3CNO3 या 2, वैसे 2 होना चाहिए था फ्रेंड्स ओके।
अब उसके बाद यदि नाइट्रस अम्ल मिलाते हैं तो नाइट्रस अम्ल में ध्यान देंगे क्या होगा, तो यदि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो NOH बन जाएगा, सूडो नाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है, सॉरी नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा जो क्षार के साथ हमेशा लाल रंग देता है, ये रेड कलर देगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा, यहाँ पर एक H है तो ये पूरा OH जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सूडो नाइट्राइल बन जाएगा। अब सूडो नाइट्राइल को जैसे ही अपन क्षार के साथ गर्म करो तो ये नीरा देता है। अब टर्शियरी अल्कोहल में इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है विक्टर मेयर विधि। देखिए फ्रेंड्स, विलियम्स इंसेलेशन विधि जो होती है वो विरल यानी उसमें लगातार ईथर बनाने की क्षमता होनी चाहिए, वैसे होता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं होता, देखें C2H5OH और H2SO4 इसको यदि हीट करेंगे तो ये बनेगा, पहले पद में क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब यदि हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को यदि फिर से दोबारा C2H5OH के साथ हीट करते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, ये HSO4 और H निकल जाएगा, ये बन जाएगा C2H5O C2H5H2SO4, दोबारा बाहर निकल जाएगा। इस क्रिया में दोबारा H2SO4 हो जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे तो अल्कोहल इन H2SO4 का बार बार उपयोग होता रहता है तो H2SO4 धीरे धीरे खत्म होने लगता है, इसलिए बार बार H2SO4 मिलाना पड़ता है, इसलिए जो सतत विधि है ये गलत है, ये असतत विधि है। देखिए इसमें ये यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, सॉरी यहाँ पर एथिल अल्कोहल ये ऊपर से इसे डाला जा रहा है थिसिल ट्यूब से, ये थर्मामीटर है, टेम्परेचर नाप रहा है, फिर यहाँ से कंडेंसेशन ट्यूब है, यहाँ पर ठंडा होकर इसे एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किण्वन विधि क्या है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, किण्वन का मतलब होता है एंजाइमों के द्वारा, यानी वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं एंजाइमों के द्वारा बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है, ठीक है याद रखना। तो इसमें यीस्ट जो है सबसे अच्छा किण्वन है, तो यीस्ट में इन्वर्टेज और एंजाइमेज दोनों ही होते हैं, तो सुक्रोज को तोड़ के क्या बना देते हैं, ग्लूकोज और फैक्ट्रोज, फिर ग्लूकोज जो है उसको तोड़कर एंजाइमेज क्या बना देता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। सीरा क्या है, सीरा वही गन्ने का जो रस निकालने के बाद जो बच जाता है उसको अपन सीरा कहते हैं, पीला गाढ़ा होता है इसको सीरा कहते हैं। अब इससे शक्कर तो निकल नहीं पाती है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं और थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। अब किण्वन ध्यान देंगे इसमें क्या, अब यीस्ट मिला देते हैं, वो इसमें एंजाइमेज और इन्वर्टेज होते हैं, दो तीन दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं और इसके इसमें वायु लगातार प्रवाहित करते रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है, एथिल अल्कोहल का वनवाश कहते हैं। और इसमें फ्रेंड्स ध्यान देंगे केवल 10% अल्कोहल होता है, बाकी सब अदर चीजें होती है, इसको वाश कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HCHO, ठीक है, और अमोनिया का सूत्र है NH3, तो हमेशा 64 नंबर याद रखेंगे, इसमें 6 फॉर्मेल्डिहाइड और 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, यूरोट्रोपिन, यानी 64 बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे ये 64, तो हेक्सामेथिन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन, ये याद रखेंगे हमेशा, जब भी टॉयलेट में जलन होती है तो आपको हेक्सामेथिन टेट्राएमीन ही दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। कृत्रिम मधुरक क्या है फ्रेंड्स, कृत्रिम मधुरक का मतलब होता है जिनको डायबिटीज होती है वो लोग मीठा खाते हैं तो इससे उनका जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिससे बहुत मुश्किल होती है, मतलब गाढ़ा हो जाता खून, तो कृत्रिम रूप से मिठास पैदा करने वाले पदार्थ जिन कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं, इनका उपयोग ठंडे पेय पदार्थों में मिठास पैदा करने के लिए और मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, मतलब जो मीठा लगता तो है लेकिन उसमें ग्लूकोज बिल्कुल नहीं होता, जैसे एस्पार्टम, सैक्रिन, एलिटियम, सुक्रालोज, ठीक है फ्रेंड्स। एल्डो संघनन में क्या रहता है, जब एल्डिहाइड या कीटोन वाले दो अणु आपस में जोड़कर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना ही चाहिए फ्रेंड्स, ये कंडीशन है, इसलिए इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग नहीं होता क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसमें बेंजाल्डिहाइड का उपयोग नहीं होता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो यदि अल्फा हाइड्रोजन युक्त तो किसी एल्डिहाइड या कीटोन को यदि हम क्षार या NaOH, BaOH, TCNH आदि की उपस्थिति में यदि गर्म करेंगे तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसको एल्डोल कहते हैं। तो एल्डोल क्या रहता है फ्रेंड्स, एल और डोल मतलब एलो, यहाँ पर क्या रहेगा मतलब उसमें एक एल्डिहाइड के गुण भी रहने चाहिए और हमेशा उसमें कीटोन के भी गुण रहने चाहिए, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया देखो, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एलिमेंट ही चाहिए जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, इनको यदि NH की उपस्थिति में यदि हीट करेंगे तो एक अणु बनाएगा इसका अल्कोहल NCH3OH और दूसरा बनाएगा फॉर्मेट यानी HCOOH,
वैसे बेंजल्डिहाइड में भी होगा, तो एक बन जाएगा अल्कोहल, दूसरा बन जाएगा सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और एक याद रखेंगे, बहुलीकरण में क्या रहता है, ये आप देख रहे हैं, यदि एस्टेल्डिहाइड के तीन मॉलिक्यूल को यदि हम हीट करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ना, ये चक्री ड्राइवर बन जाएगा, ठीक है, ये निद्राकारी औषधि है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम फार्मेट को जब भी अकेले गर्म करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसको गर्म करेंगे तो क्या रहेगा, कैल्शियम फार्मेट होता है SCOOCa, यदि हम इसको गर्म करेंगे, ये दिखा सॉरी टेकन टॉइस लगा देंगे यहाँ पर, टेकन टॉइस, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, SCHO बनेगा, CaCl3 अलग निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पारकिन अभिक्रिया में क्या रहता है, एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है, ये देखो ये C6H5 बेंजाल्डिहाइड है और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3CO टेकन ट्वाइस O, जब हम इनको सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में हीट करते हैं तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल और ये बन जाएगा सिनेमिक अम्ल, C6H5CA1CH CWH, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया के साथ अभिक्रिया है तो यूरोट्रोपिन बनता है, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम एसिटेट को दो बार हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड, ठीक है, और CaCO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगला, यदि हम एसीटोन को यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ यदि हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जुड़ जाएगा, ये कार्बन वाला भाग किसमें, एमजी के साथ, यानी एमजी वाला भाग इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा OMgBr, इसमें जुड़ गया और बाकी CH3 दूसरी तरफ जुड़ गया, तृतीय अब ये बन गया, अब MgOH को किससे हटाएंगे, तो किसी भी जल से अभिक्रिया करेंगे तो MgBr की जगह वहां पर H आ जाएगा, ठीक है, तो अल्कोहल बन गया तृतीय अल्कोहल, ठीक है फ्रेंड्स। कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो आप एसिटिक अम्ल देख रहे हैं, एसिटिक अम्ल CH3CH, इसमें अमोनिया के अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जो S3 है इसके साथ जुड़ जाएगा, NH4 बन जाएगा, तो ये अमोनियम एसिटेट बनेगा, इसको गर्म करेंगे तो इसमें फ्रेंड्स H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ से H2 यहाँ से O निकल जाएगा, तो ये बनेगा एसिटामाइड CH3CONH2, इसमें यदि हम KOH और Br2 यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से CO भी निकल जाएगा K2CO3 बनकर, तो यहाँ पर बनेगा एथिलेमीन, सॉरी मेथिलेमीन बनेगा, इसके यदि हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो ये NH2 की जगह OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेथिल अल्कोहल, इसका यदि हम ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, SCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, तो एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल हमने बदल दिया। फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं, फॉर्मिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल को यदि हम एसिटिक कैल्शियम हाइड्राइड के साथ गर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम फॉर्मेट सॉरी SCOO टेकन बाय CA, ठीक है, यदि हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फ्रेंड्स यदि हम ऑप्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH यानी मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल का यदि हम HI के साथ ऑप्शन करेंगे तो बन जाएगा CH3I, CH3I का यदि हम KCN के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CN, CH3CN का यदि हम फ्रेंड्स जल के दो अणु के द्वारा जल अपघटन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, तो ये फॉर्मिक अम्ल से हमने इस तरह से एसिटिक अम्ल बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। सीकर सिरका विधि से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड फ्रेंड्स, सीकर सिरका विधि से एसिटिक अम्ल बनाने के लिए हमको एक बैक्टीरिया लगता है, उसका नाम होता है माइकोडर्मा एसिड बैक्टीरिया, ये फ्रेंड्स याद कर ले हैं, माइकोडर्मा एसिड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम एसिड बैक्टीरिया है, ये क्या करता है एसिड बैक्टीरिया फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें क्या रखेगा, एक बाल्टी नमक पात्र ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें ऊपर से क्या कर देते हैं, पुराने सिरके से भीगी हुई जैसे यहाँ पर एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, पहले लकड़ी की छीलन में क्या करते थे, लकड़ी की छीलन को अपन पुराने सिरके ने जो पुराना होता है CH3COOH उसमें लकड़ी की छीलन डाल देते हैं फिर उसको इसमें भर देते हैं, ये लकड़ी का डैंग होता है, इसमें ऊपर नीचे ये दोनों तरफ दो लकड़ियां के तख्ते लगे रहते हैं जिसमें छिद्र बने होते हैं, अब इसमें पूरी लकड़ी की बाल्टी में भी छिद्र बना दिए जाते हैं ताकि हवा आ जा सके इसमें, ठीक है, इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं, ऊपर से जो डैंग में क्या मिला देते हैं एथिल अल्कोहल, ये गिराते रहते हैं यहाँ पर,
अब इसमें क्या है, थोड़ा सा जब हम ये माइकोड हम एसिड बैक्टीरिया मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इन्हें ऑक्सीकरण करेगा, तो ये एथिल अल्कोहल को किसमें बदल देगा, एसिटिक अम्ल में बदल देगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें याद रखेंगे थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट, जिससे वो एसिड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है उसकी वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, और इसको जब बनेगा तो बहुत पतला बनेगा, इसको निकाल के फिर से ऊपर डाल देते हैं, फिर से नीचे आता है, तो मतलब इसमें क्या रहता है, थोड़ा ज्यादा सांद्रण बढ़ जाएगा, इसका सांद्रण वैसे नॉर्मली ज्यादा होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे एसिटिक अम्ल हमेशा क्लोरीन के साथ क्या करता है, क्लोरो एसिटिक अम्ल बनाता है, और ज्यादा क्लोरीन मिलाएंगे तो डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिलाएगा, और यदि क्लोरीन मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, यानी CCl3CWH बनाएगा। ठीक है, और PCl5 के साथ तो एक बार में ये एसिटाइल क्लोराइड बना लेता है, CH3COCl बना लेता है। उपयोग क्या है फ्रेंड्स, आप लोग देखते हैं घरों में एसिटिक अम्ल का इतना ज्यादा उपयोग है, अचार में, चटनी में, दवाइयों में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा बनाने में उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में कोई जीव जंतु को लंबे समय तक रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कैसे प्राप्त करोगे, हमें एसिटिक अम्ल से यदि हमें क्या एसिटामाइड चाहिए, तो एसिटिक अम्ल के साथ यदि NH3 का अभिक्रिया करेंगे तो अमोनियम एसिटेट बनेगा, अमोनियम एसिटेट का यदि निर्जलीकरण करेंगे तो हमें एसिटामाइड बन जाएगा, CH3CONH2। अब हमें एथिल एसिटेट चाहिए, तो एथिल एसिटेट के लिए C2H5OH के साथ हीट करेंगे तो ये OH और यहाँ से H निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3CCH2। ठीक है, यहाँ पर जल निकालने के लिए H2O लगता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, यदि इसी के दो मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे तो ये H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अगला ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, यदि इसकी अभिक्रिया यदि हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो फ्रेंड्स याद रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CCl3COOH क्लोरोएसिटिक अम्ल। ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। अब यदि एसीटोन की अभिक्रिया यदि हम क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो मैंने इससे पहले ही बताया, देखो ये एच और ये ओ जुड़ जाएगा तो OH बन जाएगा, CCl3 ऐड हो जाएगा। क्लोरोटोन है, ये नींद लाने वाली दवाई होती है। अब बेंजल्डिहाइड के एसिटिक एनहाइड्राइड से करेंगे तो देखो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये जो बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO के साथ यदि अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हम पहले तो ये देखें CH3COO ये तो है, अब इसका जो एक H यहाँ से फ्रेंड्स याद रखेंगे ये H इसको मिल जाएगा तो एसिटिक अम्ल मिल जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट CH3CH वाला भाग है और यहाँ पर एक CH तो ये CH भी इससे जुड़ जाएगा और एक COO ये वाला O और एक ये वाला O और एक H ये, तो इस तरह से हमें सिनेमिक अम्ल बन जाएगा C6H5CH CHCOOH। क्लेजन संघनन में क्या होता है फ्रेंड्स याद रखेंगे, क्लेजन संघनन में C6H5CHO बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम यदि किसके साथ, हम यदि इसकी अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ करते हैं तो ये H2O निकल जाएगा, यहाँ पर C6H5CH CH CHO बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, अल्फा बीटा संतृप्त एल्डिहाइड बोलते हैं इसे। बेंजोइक संघनन में क्या रहेगा, दोनों ही बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होंगे, दोनों को यदि हम केसिन की उपस्थिति में ऐड करेंगे तो ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एनिलीन ब्लैक क्या होता है, एनिलीन ब्लैक फ्रेंड्स क्या है, एनिलीन को जब भी पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ऑक्सीडाइज करते हैं तो काले रंग का जो सब्सटेंस बनता है उसको एनिलीन ब्लैक कहते हैं। इसमें काला रंग बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और जहां जहां पे भी काला कलर चाहिए होता है तो चाहे मतलब कपड़ों को काला करने में या डाई बनाने में, अनेक जगह में पेंट बनाने में इसका यूज होता है। देखिये डायजुटीकरण क्या होता है फ्रेंड, डायजुटीकरण में क्या रहता है कि जो C6H5NH2 यानी जो एनिलीन दिख रहा है उसकी अभिक्रिया NaHCl और HNO2 इन दोनों की उपस्थिति में करते हैं तो C6H5N2Cl बनता है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, इसको डायजुटीकरण कहते हैं। गैब्रियल थैलामाइड सेंसेशन क्या है, जब फ्रेंड देखो ये एक बेंजीन रिंग है इसमें CO और NH इसको बोलते हैं थैलामाइड। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया KOH से करते हैं तो यहाँ पर NK आ जाता है, यानी H की जगह K आ जाता है, यानी पोटेशियम थैलामाइड। जब इसकी अभिक्रिया RI के साथ करते हैं तो यहाँ पर क्या K की जगह पर R आ जाएगा, यानी एल्किल गैब्रियल थैलामाइड हो जाएगा। जब इसका जलापटन करेंगे तो ये CO जो है COOH में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो NR है वो RNH2 यानी एमीन प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया फ्रेंड जब भी एसिटिक अम्ल के साथ हाइड्राजोइक अम्ल यानी
HN3 की अभिक्रिया करते हैं तो N2 अलग निकल जाता है, CO2 अलग निकल जाता है और हमारा प्राथमिक एमीन बन जाता है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एरोमेटिक भी हो सकता है तो यहाँ पर एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 के साथ करते हैं तब हमेशा सी ध्यान देंगे कार्बन के साथ, यहाँ पर तो दो सल्फर है तो ये एक सल्फर ये एक सल्फर, इसका एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, CCH4NH यहाँ जुड़ जाएगा। अब HgCl2 यानी मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ यदि हम इसको ऐड करेंगे तो CH3NCH यानी मैथिल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा। और याद रखेंगे इसी को ही हम लोग क्या, इसकी जो गंध होती है सरसों के तेल के समान होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं मैथिल आइसोथायोसाइनेट या मस्टर्ड ऑयल यानी मतलब सरसों के तेल वाली गंदा अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हमेशा कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडेडनेस होता है, बी की कमी से भूख न लगना पैरों में दर्द होना जिसको बेरी बेरी कहते हैं, डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है जिसको रिकेट्स कहते हैं, ई की कमी से बांझपन हो जाता है बांधता रोग हो जाता है, बच्चे जन्म नहीं लेते, ठीक है। इनके कार्य क्या है, विटामिन ए का कार्य होता है दृष्टि का बढ़ाना प्रतिरोध शक्ति बढ़ाना, डी का काम क्या है हमारी हड्डी को मजबूत करना फास्फोरस और कैल्शियम के द्वारा चयापचय यानी भोजन को पचाना, विटामिन ई का काम क्या है प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, के का काम क्या है रक्त का जमना, यदि के नहीं होता है विटामिन के नहीं होता तो रक्त नहीं जमता है ब्लड निकलते ही रहता है। चार प्रोटीन के नाम और उनके कार्य, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है फ्रेंड्स जिसका काम है जो ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करना, ठीक है, और सभी इन्हें ऑक्सीजन को सभी सेल टिश्यूज तक ले जाना, यह हमेशा हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक बनाता है जो फेफड़े से ऊतक तक ले जाता है और ऑक्सीजन का संवहन करता है। मायोसिन हमेशा मांसपेशियों में पाया जाता है जिसकी वजह से फ्रेंड्स मांसपेशियां अच्छी तरह से मूव कर पाती है, मांसपेशियों में ब्लड इकट्ठा रहता है, जब भी इसमें हमें ताकत की जरूरत होती है तो मायोसिन क्या करता है ब्लड को रोक देता है और पावर का निर्माण करता है। पावर पेप्सिन हमेशा यह आहार नाल में क्या करता है फ्रेंड्स, ये आमाशय में पाया जाता है, ये भोजन को पचाने में बहुत सहयोगी होता है। फाइब्रिनोजेन फ्रेंड्स ये रक्त में पाया जाता है, ये रक्त का थक्का बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है एनीमिया एक होता है क्वासियोरकर। एनीमिया तो आप लोग को पता है जैसे हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है ये, ठीक है, इसमें चक्कर आना झुर्रिया पड़ जाना आदि लक्षण होते हैं, जबकि क्वासियोरकर में बच्चों में पाया जाता है शरीर जो सूज जाता है और बेडोल आकार का हो जाता है वजन बढ़ने लगता है। कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स वो होते हैं पदार्थ जो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं जो जल में घुलकर हमेशा अपघटित होकर जो इस प्रकार के पदार्थ देते हैं, यानी जल में घुलने के बाद या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, ठीक है, इनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है, विटामिन सी का स्रोत जो है संतरा नींबू या खट्टे पदार्थ है, इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी या पायरिया और हड्डियों को कमजोर करना। फॉर्मूला फ्रेंड्स C6H8O6, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद कर लेंगे फ्रेंड्स। पेप्टाइड बंद एमाइड बंद क्या होता रहता है ध्यान दें फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ये कार्बोक्सिलिक यानी RCOOH इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, इसकी अभिक्रिया यदि हम NH2 यानी RNH2 से कराएंगे तो क्या होगा ये OH और ये H निकल जाएगा तो यहाँ पर H2 निकल जाने के बाद क्या बनेगा एक CO-NH बंद बनता है, इसको बोलते हैं एमाइड बंद, ठीक है, CO और NH बंद एमाइड बंद होता है। पेप्टाइड बंद क्या होता है जब ये ध्यान दे कि जब एमिनो अम्ल के निर्माण की इकाई होती है प्रोटीन में एमिनो अम्ल जो है पेप्टाइड बंद द्वारा बनता है CO-NH, अब दो एमाइड बंद जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बंद बनता है, इसमें अल्फा एमिनो अम्ल समूह दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ते हैं, याद रखेंगे यानी यहाँ का एक NH2 वाला भाग है और एक COOH वाला भाग है तो ये आपस में क्रिया करेगा तो इस तरह से जुड़कर इन्हें एमाइड बंदों के जुड़ने से जो बनेगा उसको बोलते हैं अपन पेप्टाइड बंद, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये अपन देख चुके हैं DNA और RNA मंत्र, देखिए फ्रेंड्स DNA हमेशा उसमें क्या रहती है ऐसी संरचना होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, DNA में एक हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और RNA में होगा और एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है,
और ये आपस में डबल संरचना होती है, आपस में जुड़े रहते हैं अलग अलग, ठीक है, इस तरह के। तो इसमें इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके इसके जो पिरिडीन्स होता है, इसमें पिरिडीन्स क्षार में मुख्यतः थायमिन होता है, ठीक है फ्रेंड। और इसमें थायमिन तो होता नहीं, थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, ये नाभिक में पाया जाता है, और जबकि नाभिक के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है या क्रोमोसोम में पाया जाता है। ये हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पैतृक गुणों को ले जाते हैं। ये मुख्यतः केवल प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। डीएनए जो रहता है फ्रेंड्स, उसमें एक या एक से अधिक एंजाइम का कार्य होता है, इन्हें उसको डायरेक्ट करता है ये। और ये केवल खुद संदेश वाहक यानी आरएनए मैसेंजर जो रहता है वो केवल संदेश वाहक का काम करता है, जबकि ये ऑर्डर देता है, ये ऑर्डर का फॉलो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल है, और इसका स्रोत है अंडा, दूध, लीवर ऑयल, और इसकी कमी से होता है रतौंधी और बोनापन वगैरह देखते हैं। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन, ये चावल की भूसी, गेहूं, यीस्ट, दूध, सब्जी में पाया जाता है, इसकी कमी से बेरी-बेरी होता है फ्रेंड। विटामिन बी टू का नाम है रिबोफ्लाविन, ये अंडे के पीले भाग में पाया जाता है, दूध, हरी सब्जी में पाया जाता है, इसकी कमी से डर्मेटोसिस और ग्लासिटिस कहते हैं, ठीक है, इसके ये रोगों के नाम है। और बी फोर का जो रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड है, ये यीस्ट, यकृत, दूध, मांस, हरी सब्जी में पाया जाता है, इससे त्वचापन में रूखापन, डायरिया, एनीमिया हो जाता है। बीटेन का नाम है फ्रेंड्स फोलिक एसिड, इस ये यीस्ट में पाया जाता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। बी ट्वेल्व का नाम साइनोकोबालमिन है, ये यीस्ट, मक्का आदि में पाया जाता है, इसकी कमी से मेरुदंड कमजोर हो जाता है। विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड खट्टी चीजों में पाया जाता है, इसकी कमी से एस्कार्बी यानी मसूड़ों से पानी आने लगता है। डी का नाम है कैल्सिफेरॉल, ये सूर्य प्रकाश, दूध, अंडे में पाया जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल है, ये बीज, फली, दूध, अंडे में पाया जाता है, इससे प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है फ्रेंड, प्रोटीन में यदि हम अम्ल क्षार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, जब प्रोटीन को गर्म करते हैं या उसमें कोई अम्ल क्षार डाल देते हैं तो प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, तो इस क्रिया को प्रोटीन कहते हैं। जैसे दूध में जैसे हम नींबू का रस मिलाते हैं तो उसका प्रोटीन टूट जाता है, इसको विकृत प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन में फ्रेंड्स याद रखेंगे उसके चार स्ट्रक्चर होते हैं, प्रथम मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फोर्थ। जो इसमें लेकिन क्या रहता है, इसमें प्राथमिक संरचना बिल्कुल नहीं बदलती है, इसलिए ये यूजफुल बनी रहती है। तो द्वितीयक और तृतीयक संरचना इसमें चेंज हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो विकृत प्रोटीन अपनी जैविक क्रियाशीलता तो खो देता है, लेकिन ये फिर भी काफी ऊर्जा रखता है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है फ्रेंड्स, देखे वे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग कहते हैं, ठीक है, यानी गर्भ निरोधक दवाइयां भी कहते हैं इसको हिंदी में। इसका उपयोग प्रयोग से महिलाओं में मासिक धर्म में जो प्रति माह जो मासिक स्राव का चक्र आता है और अंड विसर्जन की क्रिया होती है, उसको मतलब जो ओवम में जो एग्स बनते हैं उसको नियंत्रित किया जाता है, मतलब इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, इसका उदाहरण मेस्ट्रेनॉल और नॉन एथिंड्रियोन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें चार रिंग होती है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक बार OH और एक बार CHO लगा लेंगे फ्रेंड्स, ओके। जबकि नॉन एथिंड्रियोन में भी चार रिंग होती है, यहाँ पर भी चार रिंग बनाएंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर C CH और यहाँ पर OH। एंटासिड क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दें, एंटासिड वे पदार्थ होते हैं जब कभी अपन ज्यादा तेज खाना खा लेते हैं तो उसमें अम्ल बन जाता है। अम्ल की अधिकता को रोकने के लिए या कम करने के लिए, मतलब पीएच का जो मान है वो पीएच कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम जो पदार्थ लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड। एंटासिड यानी एंटी एसिड, जो एसिड को खत्म करे, ठीक है, एसिड को खत्म करने वाले पदार्थ होते हैं। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने से उत्तेजना भी होती, पीड़ा भी होती, कई बार अल्सर हो जाता है फ्रेंड्स। HCl बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में बन जाता है, इससे घाव हो जाता है। और सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाले एंटासिड में क्या क्या रहता है, MgOH taken twice यानी मैग्नीशियम, MgOH taken twice होता है, ठीक है, MgCO3 होता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। और घरों में आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो खाने का सोडा है, वो भी एंटासिड का ही कार्य करता है, ठीक है। इसमें ओमेप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल और एंटासिड आदि केमिकल होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सामक औषधि क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, जब दुखी होता है, पीड़ित होता है तो या उत्तेजित होता, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उन लोगों को हमेशा सामक औषधि दी जाती है जो माइंड को थोड़ा सा शांत कर देती है।
इसमें क्विनिल, ल्यूमिनल, बारब्यूटेरिक अम्ल, सैकोनल आदि होते हैं, ये उसके स्ट्रक्चर है। सल्फर ड्रग्स क्या होता है फ्रेंड्स, किसी किसी को क्या रहता है, बहुत सारी यानी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो एलर्जी को रोकने के लिए उसमें जो मिलाई जाती है औषधियाँ एंटीबायोटिक के समान ही होती है, इसे सल्फर ड्रग कहते हैं। इनमें सल्फर एलिमेंट होता है, एंटीबायोटिक के समान ही क्रिया करते हैं, ठीक है। और ये प्रयोगशाला में ही बनाए जाते हैं, जिससे सल्फर डाइजीन, सल्फापिरिडिन इत्यादि। एंटीसेप्टिक क्या होती है फ्रेंड्स, वे औषधियाँ जो शरीर में हम ऊपर से लगाते हैं, इसको हम मुंह से नहीं ले सकते, मतलब क्योंकि ये पॉइजिनियस होती है। जब इनको डायरेक्ट लेपन के रूप में, लोशन के रूप में हमको लगाते हैं तो क्या होता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक, जीवाणु या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए मिलाई जाती है। ये मानव के ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमेशा ही घाव, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा पर सीधे उपयोग की जा सकती है। जैसे अल्कोहल, बोरिक एसिड, आयोडीन, क्लोरीन आदि, ये सब एंटीसेप्टिक है। आप लोग देखते हैं बोरोप्लस वगैरह जो है, ये सब एंटीसेप्टिक है। ध्यान देंगे इसमें बैक्टीरिया के क्षय से हमेशा दुर्गंध जो उत्पन्न होती है, इसको हटाने के लिए भी पदार्थ मिलाया जाता है। जैसे डेटॉल है, क्लोरोजैनेनोल, ये सब जो डेटॉल है उसमें क्लोरोजैनेनोल और टर्पिनियोल का मिश्रण दोनों मिलाया जाता है, ठीक है। इसको भी त्वचा पे सीधे उपयोग किया जाता है। शामक औषधि तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया अभी। अब देखे एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन है, ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, सूक्ष्म जीवाणु जैसे कुछ वायरस वगैरह को भी नष्ट कर देते हैं या उनके विकास में बाधा डालते हैं। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पौधों में थोड़ा समझ ले फ्रेंड्स, जैसे शतावरी पौधा है तो उसका सक्रिय क्या है, साइटोस्टेरॉल, क्यूरेसैनिटिन और ग्लूकोरोनाइट, ये उसका सक्रिय अवयव है। कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग होता है, जो महिलाओं को दूध नहीं आता उनको दूध बढ़ाने में, आंतों की बीमारी में, धतूरा, एल्केलॉइड ट्रोपिन इसका उपयोग होता है, कुष्ठ रोग, कृमिनाशक, पेचिस, फीवर, त्वचा आदि रोगों में। लहसुन इसका सक्रिय अवयव है, कॉपर पेप्टाइड, एंथ्रोसाइनिन इसका उपयोग कैंसर, डायबिटीज में होता है। आंवला इसका सक्रिय अवयव विटामिन सी, कैरोटीन, राइबोफ्लाविन, निकोटिनिक एसिड इसका उपयोग खांसी, अस्थमा, बुखार में होता है। अश्वगंधा इसका जो एक्टिव है पार्ट वो विथियानोलाइट्स है और इसका उपयोग अल्सर, दमा, मिर्गी आदि के रोग में होता है। ज्वरनाशी क्या है फ्रेंड्स, याद रखेंगे जो शरीर का ताप कम करने के लिए जो भी रसायन उपयोग किए जाते हैं उसको ज्वरनाशी कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन और एनाल्जिन, ये सब ज्वरनाशी है फ्रेंड्स। कणाद कौन है, कणाद हमारे देशों में एक मर्सी है, हमारे बहुत ही देश के विख्यात जो महर्षि रहे उनमें से एक कणाद है, महर्षि कणाद। परमात्मा, विश्व का निर्माण, उत्पत्ति, संचालन की प्रक्रिया के संबंध में अनादिकाल से चिंतन होता रहा। इस चिंतन से महर्षियों को जो अनुभूति हुई है उसे दर्शन नाम दिया गया। दर्शन के इन्होंने 6 अंग बताए थे, न्याय, मीमांसा, वैसेविक, सांख्य योग, वेदांत। महर्षि कणाद ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो इनका मूल आधार था परमाणुवाद, और इन्होंने बताया था कि एक झरोखे से आती हुई जो किरण है उसमें सूक्ष्म कण का 60वां भाग जो है वो परमाणु कहलाता है। मतलब परमाणु की डेफिनेशन इन्होंने दे रखे थे, परमाणु की उन्होंने अपनी विशेषता बताए दिए थे। कणाद इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये एक एक कण का उपयोग करते थे खाने पीने के लिए और ये घर घर जाकर हमेशा इलाज किया करते थे, ठीक है। परमाणु का विशिष्ट लक्षण और विश्लेषण आदि करने में इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जो लोग डायबिटीज के होते हैं उन लोग ज्यादा मिठास वाले पदार्थ नहीं खा सकते, इसलिए उन्हें कृत्रिम मधुरक पदार्थ लिए जाते हैं जो स्वाद में तो मीठे होते हैं लेकिन उनमें कोई एनर्जी नहीं होती, जैसे एस्पार्टम, सैक्रिन, एरिटेम, सुक्रालोज इत्यादि, ठीक है फ्रेंड्स। चरक देखिए, ये एक महान आयुर्वेद आचार्य है, ये सम्राट कनिष्क के प्रथम के राजवेद थे। इनका जन्म 200 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी जन्म से ईसा के 200 साल बाद माना जाता है। और इनकी धारणा यह थी कि एक चिकित्सक होने के लिए इन्हें ज्ञानी विज्ञानी होने जरूरी नहीं है, उन्हें दयावान और सदाचारी भी होना चाहिए, ठीक है। उसे उनका मतलब बिहेव बहुत अच्छा होना चाहिए। और चरक ने आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान दिए, इनकी आयुर्वेद चिकित्सा को, इनको चरक को मतलब आयुर्वेद का सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है महर्षि सुश्रुत। शल्य प्राचीन
काल से ही विकसित अवस्था में थी। शल्य का पहला जो प्रयोग है मतलब ऑपरेशन करने की जो शुरुआत थी वो सुश्रुत नहीं की थी इन्होंने, या शल्य का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर की पीड़ा, इन्होंने शरीर की पीड़ा को दूर करने के लिए जो भी अपनाया जाता है उसको शल्य क्रिया कहते हैं। ये महान शल्य चिकित्सक थे और इनकी बुकों को आज भी आयुर्वेद में या MBBS के पाठ्यक्रम में पढ़ा जाता है। इनके वंशज कौन थे, विश्वामित्र इनके वंशज थे, इनका जन्म और स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं कि समूह 17 के तत्व जो है रंगीन क्यों होते हैं। रंगीन होने का कारण होता है फ्रेंड्स याद रखेंगे तो इनमें जो 17 के तत्व रंगीन इसलिए होते हैं, जैसे फ्लोरीन पीला होता है, क्लोरीन हरा होता है, ब्रोमीन भूरा होता है, आयोडीन बैंगनी होता है। इनका रंग जो रहता है क्योंकि इनमें संक्रमण होता है, जो एक जो प्रकाश जो सूर्य प्रकाश से आने वाले प्रकाश के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश छोड़ देते हैं उसकी वजह से ये क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, किण्वन क्या है, किण्वन फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की विधि है एंजाइमों के द्वारा। जैसे यीस्ट एक अच्छा किण्वक है, जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं, माल्टो जाइमेज इन्वर्टेज, ये सब एंजाइमों के नाम है। सुक्रोज है, उसमें यीस्ट क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज और फैक्टोज में तोड़ देता है। वैसे ही ग्लूकोज को जाइमेज तोड़कर क्या बना देता है, एथिल अल्कोहल बना देता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोरीन का मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पाई जाती है, क्योंकि उसमें डी कक्षक नहीं पाया जाता और अंतिम कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बस, इसलिए अपनी बड़ा रूम ना होने के कारण, बड़ा स्पेस ना होने के कारण ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, छोटे आकार के कारण ही ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ध्यान देंगे। हाँ, फार्मिक अम्ल को फ्रेंड्स देखें गर्म करने पर क्या होता है, जब भी हम जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करेंगे ब्रोमीन की उपस्थिति में तो क्या होगा, तो ये इस अभिक्रिया का नाम है हेल्वोलर्ड अभिक्रिया। इसमें क्या रहेगा, ये जो H है यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर CHBr हो जाएगा। ठीक है, इसको हेल्वोलर्ड अभिक्रिया कहते हैं। फार्मिक अम्ल को गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है फ्रेंड्स। ठीक है, टॉलिन अभिकर्मक क्या है, अमोनिया में सल्फर नाइट्रेट अभिक्रिया को टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं, याद रखेंगे। जिसमें अमोनिया मिला होगा और सिल्वर नाइट्रेट, इसमें अमोनिया मिला होगा, उसको टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। ये एल्डिहाइड को हमेशा किस में बदल देता है, अम्ल में बदल देता है और इसमें हमेशा सिल्वर का दर्पण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।